अगर आपके पास पोको M3 और Redmi 9 पावर ऑटो ईडीएल मोड ले रहा है या फिर डेड कंडीशन में आया है, तो आपको कंप्यूटर को लगा के चेक करना है कि ऑटो ईडीएल ले रहा है क्या, या फिर डीसी मशीन पे आपको चेक करना है कि 60 या 100 तक ये स्टक हो जाए स्विचिंग के बाद। तो इसको आपको एक सॉल्यूशन करना है, जो देख सकते हैं यहाँ पे जो बैक साइड में यहाँ पे APT पावर है जो नेटवर्क के लिए वोल्टेज देता है, तो ये आपको APT पावर की जो शील्ड है ये हीट करके आपको निकालना है और इसमें जो दो कैपेसिटर है वो आपको रिमूव करना है। अगर वो कैपेसिटर रिमूव ही नहीं किए तो ये ऑन हो जाएगा, ओनली शील्ड निकाल के आपको फिर से लगाना है हीट करके, क्योंकि ये एरिया को आपको हीट करना होता है। ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होते तो भी आपको एक बार निकालना है, क्योंकि जितनी हीट आपको देना है वो समझ आएगा। अगर ये वीडियो देख के आपका मोबाइल चालू हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी गलती से वो APT पावर IC निकल जाए तो आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसको आप निकाल के IC को रिबॉल करिए। अगर IC खराब हो चुकी है तो आपको उसको दूसरी IC रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाएगी।